नमस्ते, मैं सुगंधा। आज हम बनाएंगे गोझा, जिसे हम उल्टा भी कहते हैं। ये यूपी बिहार में ज्यादातर बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे सुबह के नाश्ते या रात के डिनर में बना करके खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाते हैं। गोझा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा को लगा लेंगे। तो ये गेहूँ का आटा है, जो नॉर्मली हम जिससे रोटी बनाते हैं वही आटा। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो बना लेंगे। तो डो हमें ऐसा चाहिए जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं, सेम वैसा ही हमें डो यहाँ पर लगाना है। यहाँ हम डो को लगा लिए हैं, ढक करके इसे 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। और यहाँ पर कुछ मिर्चा, लहसुन और जीरा है और काली मिर्च है, इसे हमें हल्का सा दरदरा पीस लेना है। यहाँ पर लहसुन और काली मिर्च की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखें, क्योंकि जो हम गोझा बनाएंगे इसमें लहसुन और काली मिर्च की मात्रा ज़्यादा रहने से आपकी जो गोझा है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और मिर्चा को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, इसे हम पीस लिए हैं और इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हम चना दाल को लिए हैं। चना दाल को हम 2 घंटे पानी में भिगो कर रखे थे, आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से फूल गया है, हमें इसको भी हल्का सा दरदरा पीसना है। तो एक मिक्सी की जार लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दाल को पीस लेंगे। इसमें पानी नहीं डालें तो ही आपका जो दाल है अच्छी तरह से पिसाएगा, क्योंकि हमें हल्का सा दरदरा चाहिए। यहाँ देखिए, अगर आप नहीं पीस पा रहे हैं तो हल्का सा इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा पानी डालें। ये देखिए, तो सारे दाल को हम ऐसे ही पीस लेंगे। जब आपका चना दाल हल्का सा दरदरा होगा तभी आपका जो गोझा है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ देखिए, हमारे जो चना दाल है सारे पीस गए हैं। तो हम इसमें ये जो मिश्रण बनाए थे, मिर्चा, काली मिर्च, जीरा और लहसुन का, तो इसी में हम डाल देंगे। तो सारे मिश्रण को डाल दें चना दाल में और इसमें हम अभी नमक नहीं डालेंगे, मिला लें अच्छी तरह से इसे। तो ये देखिए, मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ली हूँ। अब गैस के पास चलते हैं। तो गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में हम 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने दें, हमें इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। तेल में डायरेक्ट ये जो चना दाल को पीसे थे उसे ही डाल दें। आप बिना भुने भी बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के साथ बनाएंगे तो आपका जो गोझा है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं सारी चना दाल को डाल दी हूँ और इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक को ध्यान से डालें, क्योंकि आटा में भी हम नमक को मिलाए थे। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। तो मेरा चम्मच छोटा है तो बड़ा चम्मच से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम इस तरह अच्छी तरह से पका लेंगे। आप ये मिश्रण को ऐसे भी भून के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए, हमारा जो मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे एक प्लेट में निकाल लें ताकि हमारा मिश्रण है जल्दी ठंडा हो जाए। और यहाँ पर हम डो को चेक करेंगे। तो डो को एक किचन के प्लेटफॉर्म पे इस तरह मसल मसल कर हम चिकना कर लेंगे। आप जब भी डो को बनाएं तो एक प्लेटफॉर्म पे इसे इस तरह मसलेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी डो चिकना हो जाएगा। यह हमारा देखिए, डो जो है बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हाथों में आटा लगा लेंगे और इस तरह छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और इसे थोड़ा सा इस तरह हाथों से इस तरह फ्लैट कर देंगे। और यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है इसे थोड़ा सा इस तरह हम मसल कर इसे ढीला जो इसमें थोड़ा थोड़ा है इसे फोड़ लेंगे और एक जगह सूखा आटा लगा दें। और एक ये जो बॉल ले लेंगे, जो आटा का बॉल्स हम बनाए थे, और इसे हल्का सा इस तरह हम बेल लेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं, लेकिन हमें ये मोटा और छोटा रोटी बेलना है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना मोटा है। ये देखिए, ना इसे मोटा रखना है ना पतला, ये देखिए। और इसमें हम मिश्रण को डाल देंगे। तो मिश्रण को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ही डालें तो आपका जो गोझा है बहुत ही टेस्टी लगेगा। ऐसे दूसरी तरफ से पकड़ के इस तरह हम सील कर देंगे। ये बनाना बहुत आसान है। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से सील कर दें ताकि ये पूरा खुले नहीं। और यहाँ हमारा एक गोझा बन के रेडी है। तो दूसरी और मैं एक दिखाती हूँ।
इसे पूरी की तरह बेल लें और इसमें हम डाल देंगे स्टफिंग को। इसमें थोड़ा सा हम डिजाइन बनाएंगे, तो आपको जो प्रोसेस इजी लगे वैसा ही बनाएं। सबसे पहले से हम सील कर देंगे इस तरह। ये प्रोसेस सबसे इजी है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए सील हो गया और ऊपर से हम थोड़ा सा पकड़ के इसे इस तरह हल्का सा तरह घुमाते हुए नीचे की ओर लेते जाएंगे। ये भी बहुत आसान है। अगर आपको हार्ड लगे तो आप प्लेन वाला ही बनाएं। तो यहाँ देखिए हमारा जो गोजा है बनके रेडी है। ये कुछ प्लेन वाले हैं और कुछ डिजाइन वाले। तो अब चलते हैं हम गैस के पास। तो गैस पे एक पैन में हम पानी डाल दिए थे, इसमें हम एक चम्मच के करीब तेल डाल देंगे और पानी को बॉयल होने दें। हमारा पानी बॉयल हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके गोझा को डाल देंगे। तो सारे गोझा को डाल दें और अभी हम गैस को हाई रखे हैं और ढक करके इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट पकने देंगे। और उसके बाद हम इसे देखिए हमारा जो पानी है बिल्कुल सूख गया है। अगर आपका पानी ज़्यादा हो तो इसे पानी से निकाल लें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ दिए हैं और ये देखिए पूरा ड्राई है। तो हम एक एक करके सारे गोझा को निकाल लेंगे। अगर कभी कभी पानी होता है तो इसमें पानी हो तो पहले गोझा को निकाल के ठंडा कर लें। तो हम ठंडा कर लें गोझा को। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन इसे फ्राई करना है तो इसे इस तरह बीच में काट लें। तो कुछ गोझा को आप काट लें और कुछ गोझा को आप प्लेन ही रखें। तो इसे जितना आपको गोझा को फ्राई करके खाना है उसे आप काट लें। तो यहाँ देखिए हम गोझा को काट लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो पहले 2 चम्मच तेल डालें पैन में और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई। राई हमारा चिटक गया है, हम इसमें डाल देंगे 2 हरा मिर्चा डाल देंगे और कुछ कड़ी पत्ता डाल देंगे। तो तोड़ के डालें, हल्का सा इसे कुछ सेकंड फ्राई कर लें। और इसमें हम डाल देंगे अब जो गोझा को हम काटे थे। तो एक एक करके गोझा को डाल दें। तो जितना गोझा आपके पैन में जाए अच्छी तरह से फ्राई कर लें उसे। इसे गैस को मीडियम रखें और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें। आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन हम इसे थोड़ा सा सेल्फ फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2 मिनट के बाद हमारा जो गोझा है फ्राई हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लें। आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम सारे गोझा को फ्राई कर लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी। तो आप इसे चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए बहुत ही यम्मी रेसिपी। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं।